हेलो, वेलकम टू बुलेट राजा। वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं भरतपुर की, जो आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर एक लोहागढ़ फोर्ट है और घना पक्षी विहार है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज बुलेट राइड पर जा रहे हैं हम लोग, तो मेरा एक फ्रेंड है मथुरा से, उसको लूँगा एंड देन वी विल बी गोइंग टू दीज प्लेसेस। देखिए, बाइक जो है बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल चमचमा रही है, और इसी बाइक पर आज हम राइड पर जाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। चलिए, अब थोड़ा सा निकल आए हैं रास्ते में, आगे टैंक फुल करा लेते हैं। ये पेट्रोल पंप है, देखते हैं कहाँ पर चले जाएगा पेट्रोल। अब हम आ गए हैं आगरा मथुरा टोल की तरफ। काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पर, साइड से निकल जाएंगे, बाइक साइड से निकल जाती है। दिस इज द वे फॉर टू व्हीलर्स। हम यहाँ से निकल जाते हैं, कोई भी टोल का चार्ज टू व्हीलर्स का नहीं लगता है, केवल कार्स ट्रक्स इनका लगता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मथुरा। दोस्तों, भरतपुर जाने के लिए रास्ता ये है, पर मुझे किसी को लेना है, इसलिए मैं थोड़ा मथुरा आगे जाऊंगा और फिर उसी रास्ते से हम भरतपुर के लिए निकलेंगे। हम मथुरा आ चुके हैं, मथुरा के बाद अब हम भरतपुर के लिए। मथुरा का मेन चौराहा जो है आने वाला है गोवर्धन चौराहा, जहाँ पर आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। तो ये है कौन सा फोर्ट है? ये लोहागढ़ फोर्ट। ये मेन दरवाजा है, दिस इज मेन गेट ऑफ लोहागढ़ फोर्ट, विच इज प्लेस्ड इन भरतपुर। दिस इज द मेन गेट। तो दिस इज़ अ जवाहर पुल, आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। भरतपुर फोर्ट है और ये जाने का रास्ता है। महाराजा सवाई जवाहर सिंह बुर्ज। किले का मेन पार्ट आप सामने देख पा रहे हैं, पार्किंग जहाँ हमारी बाइक खड़ी हुई है। देखिए, सामने बाइक खड़ी हुई है और जहाँ से एंट्री है, जहाँ से हम आए थे, ये वो रास्ता है। और सामने भी देख सकते हैं आप लोग,
भरतपुर फोर्ट, भरतपुर संग्रहालय का नाम दे दिया गया इसे, है ना? फोर्ट है लेकिन पर ये है फोर्ट। ओके, काफ़ी बड़ा है। महाराजा सवाई जवाहर सिंह बुर्ज यहाँ पर भी वहीं से तो आए लिखा हुआ है। ये है मेन गेट। टिकट है यहाँ पर क्या? दिस इज द व्यू आफ्टर द एंट्रेंस, यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज ऑसम व्यू, नाइस। तो ये मूर्ति कला संग्रहालय है, देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। आर्किटेक्चरल गैलरी, यू कैन सी वेरियस स्टैच्यूज, लुक एट दैट। मूर्ति कला तीर्थ पीछे का हिस्सा है ना, यहाँ से भी व्यू है। ओके, तो ये गेट है, यहाँ से हम निकले हैं बाहर। दीज आर द स्टेयर्स टू गो। कहाँ जा रहे हैं अब हम? कहाँ जा रहे हैं अचिन? बरदारी। ओके, लेट्स गो। वो है रोड जिससे एंट्री हमने की थी, मेन गेट। वहाँ हमारी बाइक भी खड़ी हुई है, दिख रही है दूर से, और ऊंचा पहुंच चुके हैं और व्यू यहाँ से जबरदस्त है। आर्म्स गैलरी है यहाँ पर, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, तो अंदर से काफ़ी अच्छा है। हम घूम कर आए हैं और बहुत लंबी लंबी बंदूकें हैं और कवच और महाराजा सूरजमल जी का और बहुत से महाराजाओं का फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और कलाकृतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पंखे हैं बड़े बड़े, तो काफ़ी अच्छा था ये। द एंट्रेंस ऑफ महाराजा सूरजमल स्मारक। क्या बोलते हैं सर? महाराजा सूरजमल स्मारक है, इसी के अंदर है ये। किशोरी महल भरतपुर। ये है आगरा कानपुर हाईवे, आगरा के लिए मथुरा के लिए जाते हैं यहाँ से, भरतपुर अंदर लेफ्ट साइड में है। और ये है घना पक्षी विहार, केलादेव नेशनल पार्क की एंट्री। ये गेट नंबर 2 है, नहीं गेट नंबर 1 है ये, यहाँ से आप एंट्री करते हैं। गेट नंबर 2 पर जो है वो इसकी पार्किंग रहती है। कार अपनी बाइक और कार ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पर, या तो साइकिल से आप जा सकते हैं अंदर,
या फिर आपको रिक्शा करना पड़ेगा। साइकिल के रेट हैं जो है 50 रुपीज़ हैं और रिक्शे के जो रेट हैं वो 150 रुपये पर घंटे हैं। हाँ हाँ चोंच का नहीं आगे से छोट। हाँ हाँ वो एकदम गोल्डन में है जैसे ग्रीन वगैरह कपड़ा पहनने का। अच्छा 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 इसलिए इसको ब्राह्मणी बोलते हैं। और ये फ्रूट खा रही है ये मिसवा का फ्रूट है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर ये है उल्लू आउल बैठा हुआ है। ये जो काला वाला जो है ये इजिप्ट कंट्री का नेशनल बर्ड है। काला वाला जो है काला जिसका ये है ना ये नहीं ये वाला तो रेड बटन ब्लैक। अरे ये वो देख रहे हो दो टहल तो रहे हैं। अच्छा ये है इजिप्ट कंट्री के नेशनल बर्ड्स। ओके ये है तिब्बत का बर्ड। इंडियन सारस ये घना पक्षी घर का सबसे बड़ा बर्ड है। ये कछुआ है ये लेटा हुआ है आराम कर रहा। और इधर क्या है बुल बफेलो। अच्छा ये मंगोलिया से आता है और माउंट एवरेस्ट की चोटी है ना उसके ऊपर से क्लाइम करके आता है। अच्छा और वो जो गिद्ध बैठा है क्या वो जो काला वाला जो बैठा है वो इंडियन डॉटर है स्नेक बर्ड। और ये जो है ये सब ये जल मुर्गी है सब। हाँ और वो ये साइबेरिया की है। अच्छा वो सामने वो तो बगले वो तिब्बत का है जो चल रहा है छोटे धीरे। ये हंसा ही जो ये उधर है ये हंसा इसको हिंदी में बोलते हैं सरपट्टी। सरपट्टी और वो तो मुझे लग रहा है वो सामने जो काला सा जो बना हुआ है जो पंख फैला रहा है। हाँ वो क्या है ये पनकोड़ी होते ना जल कौआ। हाँ हाँ वो जल कौआ प्रजाति से है वो क्या फिर ब्लैक और वो पिंक कलर दिख रहा है। हाँ वो अटल ये बच्चा है। ये क्या ये सामने दो दो क्या है सामने बच्चे है। किसके पेंटेड स्टार। यहाँ पर इसका पार्क का एंड पॉइंट और यहाँ पर आपको अगर हाथ धोने हैं तो यहाँ पर धो सकते हैं। एंड खाना वाना अगर लेकर आए हैं साथ में नहीं लेकर आए हैं तो कैंटीन है छोटी सी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप इस साइड में घास पर बैठकर या बेंच पर बैठकर खाना खा सकते हैं। दिस इज व्यू फ्रॉम द टावर। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड माना जाता है ये स्मॉलेस्ट बर्ड। रात के बज रहे हैं अब 8 और हम वापस हो गए हैं आगरा की तरफ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।